3000 करोड़ और हम पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टबन जनरेशन। तो आपको बताते हुए आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी फैमिली स्टबन फैमिली 3000 क्रॉस कर चुकी है। ये आपके प्यार और सहयोग के कारण ही हुआ है। अभी हमने अपनी फैमिली को और भी बड़ा करना है। तो अभी आपको जैसे मालूम है हम मनाली से आए हैं और आते ही हमें हरिद्वार का बुलावा आ चुका है। माँ गंगा ने हमें बुलाया है तो हम चलते हैं यहाँ से हरिद्वार। वहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और बहुत ही पवित्र दिन पर जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं देव दीपावली। वहाँ पर हम वो भी दिखाएंगे आपको, घाट के दर्शन कराएंगे और स्नान करेंगे और वहाँ पर आगे हम जाएंगे अगले दिन ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए, उसकी भी फन एक्टिविटीज आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी और जाने के लिए तैयार। तो ये कैंपिंग बैग मैंने लिया था त्रिवेणी जाने के लिए, पर उससे पहले माँ गंगा ने हमें बुलावा भेज दिया और वहाँ पर जा रहे हैं और जितनी भी एक्टिविटी होती है आपको दिखाते रहेंगे। बने रहना, बहुत मस्ती आएगी, बहुत धमाल करेंगे। चलिए चलते हैं। 8:25 पे आने वाली ट्रेन ऊपर आने की उसकी संभावना है, देखते हैं आती है या नहीं। अब हम यहाँ से होशियारपुर से निकल चुके हैं 10:14 पर और यहाँ पर 11:15 पहुँच चुके हैं और जलंधर कैंट पर हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली ट्रेन अमृतसर टू देहरादून। तो फाइनली हम अभी ट्रेन में पहुँच चुके हैं और 2 मिनट की देरी हो जाती तो हम रह जाते और अभी हमारी जर्नी हो चुकी है बिगेन। अभी हमें चम्मच नहीं मिल रहे और अंकल बोल रहे हैं कि अगली बार चम्मच नहीं, बड़ी सी पाइप ले आनी है, उससे जल्दी दाल खराब हो जाती है। तो उसको देखकर हमारा जस्टिन भाई डर रहा है और कह रहा है मैं वहाँ पर नहीं सोऊंगा, मैं आंटी के बीच में सोऊंगा, मेरे को डर लग रहा है। जादू का पिटारा, खाना पीना और घूमना मुझे कोई। पच्ची चम्मच खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। पहुंचे इक्कड़ विक्कड़ बम्बे वो स्टेशन पे, यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती पर हम रुकेंगे और जबरदस्ती रोकने के कारण इंजन बंद हो गया। हो गया स्टार्ट, अभी नहीं हुआ स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टबन्स। तो अभी सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन नहीं हरिद्वार। जय हो हर हर गंगे। तो स्टेशन के साथ ही हमने हर की पौड़ी के लिए ऑटो किया जो कि हमें पर पर्सन 20 रुपीज़ पड़ा है। तो अभी हमें अंकल खुफिया रास्तों से लेकर जा रहे हैं। जाम लग रहा है ना, उधर से जाम लगता है। कितने होंगे लोग, कितने लोग होंगे, बहुत होंगे ना। सफर कर रहे हैं अंकल के साथ, इसका नाम है साबरी, बहुत प्यार से नाम रखा है इसका साबरी। हम आपको दर्शन करवाते हैं मनसा देवी टेम्पल के। पहले हरिद्वार आए थे तब हमारा मनसा देवी का ब्लॉग है, अगर आपने देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो पहले दर्शन कीजिए हर हर गंगे। देखिए कितना रश है यहाँ पर, चारों तरफ रश है हर घाट पर। कुंभ का मेला नहीं है पर फिर भी भीड़ देखिए कितनी है, डर लग रहा है कैसे पार करेंगे इसे। चलो हर हर महादेव का नाम लेते हैं और निकलते हैं। हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अभी हम हर की पैड़ी के पास पहुंच चुके हैं और यहां से हम जाएंगे अंदर गंगा स्नान करने के लिए और पहले दर्शन करवाते हैं हम आपको हर की पौड़ी के। मैं
जब हम पिछली बार आए थे तो इतना रश नहीं था, क्योंकि आज पुण्या है और गुरुपुरब है। अगे कर दे, आहो अगे कर दे। स्नान कर कर बहुत बढ़िया लगा, हम एक्सपीरियंस बता नहीं सकते, आपने एक्सप्रेशन देख लिए होंगे हमारे। गंगा मैया से अब स्नान करके आए, इतनी गर्मी लग रही है, ठंड का पता ही नहीं चल रहा कि यार ठंड भी है, कोई ठंडी हवा चल रही है। पहले बहुत ठंड लग रही थी, अब तो पूछे मत, गर्मी लग रही है पूरी। अब जैकेट वगैरह मतलब उतारने का मन कर रहा है, जैकेट वगैरह भी। टपरी भीम जी का सिक्स पैक ये हमें मिले हैं गोलू भैया यहाँ के, ये बहुत बढ़िया इंसान है। गोलू भैया 18 साल के हैं और इनका लाइसेंस बन चुका है, बहुत बढ़िया चला रहे हैं यहाँ पर, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। गोलू भैया कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं कहना चाहते, मारते काम के समय नहीं कुछ बोलते, कहते ब्रश कर रहे बस। सही शर्मा रहे गोलू भैया। जैसे हमें वृंदावन वाले भैया लेकर आए थे ना लक्ष्य रोड से केदारनाथ बद्रीनाथ रोड से, वैसे ये भैया हमें लेकर जा रहे हैं तो लक्ष्य रोड से पुलिस वालों से बचने के लिए। ये भारत की माँ, भारत माँ जादू के पटारे से निकला ये खोआ। अभी हम हिम कुटीर आश्रम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमारे ब्लॉग का होता है इस पार्ट का एंड।
पर आप जाइएगा नहीं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारी यहाँ से होती है जर्नी बिगेन। क्योंकि अभी हम आपको हरिद्वार के सारे लोकल मंदिर के दर्शन करवाएंगे अगले ब्लॉग में, और उसके बाद हम जाएंगे ऋषिकेश जो कि हम कल जा रहे हैं, और गंगा स्नान भी करते हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जंगल है, जंगल के साथ ही हम गंगा स्नान करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। प्यार के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। और गंगा मैया का ये रूप मैंने पहली बार देखा है।